Assalamu alaikum students, I hope you all are doing fine. Today's topic of discussion is the history of the formulation of cell theory. अगर हम overall history की बात करें तो biology की field में Greeks वो सबसे पहले लोग थे जिन्होंने natural world से related data को organize किया. Next आपके पास यहाँ पर जो first scientist को हम discuss करेंगे that is Aristotle. अरिस्टोटल ने ये आइडिया प्रेजेंट किया कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो किसी तरीके से एक दूसरे से लिंक ज़रूर करते हैं. नेक्स्ट हेडिंग आपके पास आ जाती है सेल, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं. लेकिन आपको पता है कि 17th century से पहले माइक्रोस्कोप्स डिवेलप नहीं हुए थे. 17th century में फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया माइक्रोस्कोप्स को. उस टाइम पे किसी को भी ये बिलीव नहीं था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ कोई बेसिक यूनिट शेयर करते हैं. ठीक है, यानी कि सबकी कॉम्पोजिशन का बेसिक यूनिट कोई सेल हो सकता है. उनके बाद आपके पास आ जाते हैं रॉबर्ट हुक. सेल्स फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए गए थे 1665 में, जो कि डिस्कवर किए एक ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने. उन्होंने सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ किया एक थिन स्लाइस ऑफ कोर को एग्जामिन करने के लिए, जैसा कि यहाँ डायग्राम फिगर 4.5 में भी शो किया गया है. हुक ने ये ऑब्ज़र्व किया, उनके पास जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को, इसमें आपके पास हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं जिसमें टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स यानी कि स्मॉल पोर्शंस प्रेजेंट हैं. उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को नेम दिया सेलुलाई का, और उन्हीं की टर्म से आज हम उसी सेलुलाई की टर्म से डिराइव किया गया है सेल्स का वर्ड. ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट आपके पास आते हैं एंटनी वैन लीवेनहुक. फर्स्ट लिविंग सेल्स को कुछ सालों के बाद ऑब्जर्व किया था एक डच नेचुरलिस्ट एंटनी ने. उन्होंने टाइनी ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया पॉन्ड वाटर के अंदर अंडर हिज माइक्रोस्कोप, और उनको नेम दे दिया एनिमल क्यूल्स का. ओके, उनके बाद आपके पास साइंटिस्ट आते हैं जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क, जो नेक्स्ट पेज पे हैं आपके पास पेज नंबर 56. 1809 में जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क ने ये बात प्रपोज कर दी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ नहीं हो सकती अगर उसके पार्ट्स सेलुलर टिश्यू से मिलकर ना बने हों. ओके, उनके बाद आगे रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने यह डिस्कवर किया सबसे पहले न्यूक्लियस इन द सेल. रॉबर्ट ब्राउन के बाद साइंटिस्ट आए शिलेडन एंड शोन. उन्होंने 1838 में, मैथियस शिलेडन थे एक जर्मन बॉटनिस्ट. शिलेडन ने स्टडी किए प्लांट टिश्यूज़ को, और उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट दी सेल थ्योरी से रिलेटेड. उन्होंने ये स्टेट किया कि जितने भी प्लांट्स हैं, शिलेडियन थ्योरी अगर हम देखें कि शिलेडन ने ये स्टेट किया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो इंडिविजुअल सेल्स की एग्रीगेशन से बनते हैं. ठीक है, यानी कि उनकी एग्रीगेट्स हैं, इकट्ठे मिलके हैं बने हैं. अगर उन सेल्स की बात की जाए तो वो सेल्स फुल्ली इंडिपेंडेंट है, कोई भी सेल एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता. उनके बाद एक साल बाद 1839 में एक जर्मन जूलॉजिस्ट आए थियोडोर श्वान, जिन्होंने ये बात रिपोर्ट की कि एनिमल सेल्स भी इंडिविजुअल सेल से ही मिलकर बनते हैं. शिलेडन और श्वान की दोनों ने मिलकर प्रपोज की सेल थ्योरी इन इट्स इनिशियल फॉर्म. उसके बाद 1855 में रडल्फ विर्चो आए, जो एक जर्मन फिजिशियन थे. उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म प्रेजेंट की सेल थ्योरी की. उन्होंने ये बात प्रपोज की कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो अराइज करते हैं पहले से मौजूद सेल्स में. इस टर्म को अगर हम पढ़े तो ये है ओमनी सेलुलाई सेलुला, यानी कि जो एक सेल है जो पहले से प्रेजेंट था उसमें ही डिवीजन होने से न्यू सेल्स बनते हैं. उसके बाद आ गए 1862 में लुइस पास्टर आए, जिन्होंने इस थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पेश किया. सेल थ्योरी को रिगार्ड किया जाता है मोस्ट फंडामेंटल नॉलेज इन बायोलॉजी. सेल थ्योरी के ओवरऑल तमाम फील्ड्स ऑफ रिसर्च में इफेक्ट्स हमें मिलते हैं, यानी कि उसका रोल मिलता है. जो इनिशियल प्रेजेंटेशन थी सेल थ्योरी की बाय शिलेडन एंड शोल, उसके बाद बहुत सी डिटेल्स स्टडी की गई. सेल थ्योरी को मज़ीद एक्सप्लेन किया गया. अगर मॉडर्न फॉर्म चेक की जाए सेल थ्योरी की, तो उसके 3 मेन प्रिंसिपल्स हम लोग स्टडी करते हैं. ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स और फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी. ओके क्लास, फर्स्ट फीचर इज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स. यानी ये आप चैप्टर 1 में भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ये एक या एक से ज़्यादा सेल्स के मिलने से ही बनते हैं. ठीक है, सेकेंड, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. ये भी आप फर्स्ट चैप्टर में फुल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिक यूनिट क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, सेल्स. थर्ड, सेल्स अराइज ओनली बाय डिवीजंस इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स. ये अभी हमने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया है ओमनी सेलुलाई सेलुला. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स.
सेल थ्योरी के फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो वन और मोर सेल्स से मोर सेल्स के मिलने से बनते हैं, लेकिन वायरस प्रायोन्स और वायरोइड्स की बात करें तो ये सेल्स के मिलने से नहीं बनते, बल्कि ये सब सेलुलर और इनको ए सेलुलर पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ए मीन्स विदाउट सेलुलर, सेल अभी हमने पढ़ा था सेलुलर टिश्यूज़, ठीक है। इनमें इनके ओवरऑल स्ट्रक्चर या मैकेनिज्म की बात की जाए तो इनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। इसका क्या मतलब है, अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, दे कैन इंक्रीज इन नंबर, यानी कि रिप्रोडक्शन होती है, उसकी वजह से इनकी ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है। उसके अलावा ये ट्रांसमिट कर सकते हैं करेक्टर्स ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। उसके साथ ही एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि जो ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं उनको फाइव किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया, और ये पॉइंट भी आप चैप्टर नंबर 3 में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे वायरोन्स और प्रायोन्स की भी, वायरोइड्स और प्रायोन्स की भी कंप्लीट डेफिनेशन आप लोग स्टडी कर चुके हैं, और आपको उनकी कंपोजिशन और रोल के बारे में भी आप लोगों ने याद कर लिया था। ओके क्लास, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे आपके पास एक फ्लो चार्ट शेयर किया गया है। ओवरऑल जो हमने अभी ये पूरा टॉपिक डिस्कस किया है ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप इसी तरह ही इसके साइंटिस्ट किस ईयर में उन्होंने क्या काम किया ओवरऑल फ्लो चार्ट में आपको बताया गया है। ये फ्लो चार्ट आप अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ कर लेंगे और इसको इसी तरह ही याद कर लेंगे, और ओवरऑल इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद कर लेंगे। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।